में जो कनेक्शंस हैं वो टूट रहे हैं, राइट तो दोस्तों आपने बोला और हमने किया, जी हाँ दोस्तों आपने अपना वादा निभाया, एक एक ईंट आपने जोड़ी और डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या मिला है कि एक एक ईंट आपने जोड़ी तो जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको याद होगा कि हमने 19 जनवरी को एक टारगेट लिया था, उसके बाद एक दिन हमने 1000 पार्टिसिपेंट्स को टच किया था। आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमने 1000 पार्टिसिपेंट को टच किया है, यानी कि टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं अगर आपने मन में ठान लिया है, टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं। और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है, आज तारीख क्या है, आज यहाँ पे 15 तारीख है, यानी कि लगभग एक महीने का समय लगा है 500 से लेके 1000 तक आने में, लेकिन टारगेट अचीव होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये हम सबके लिए एक प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें हैं। और जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने 19 जनवरी का जो सेशन था उसमें हमने टारगेट लिया था कि हम यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम 5000 को भी टच करेंगे, ये हमने टारगेट लिया हुआ है। तो 1000 तक पहुंचने में हमने आज से 5-6 दिन पहले भी हम पहुंचे थे, आज फिर हम पहुंचे हैं, 700 800 900 के बीच में हम रहते थे, लेकिन टारगेट्स अचीव होते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हमने ठान लिया है, जी हाँ बिल्कुल, अगर ठान लिया है तो जीत पक्की है, बिल्कुल पक्की है। तो दोस्तों ये चीज हमें मोटिवेट करती है क्योंकि हम चीजों को खुद प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हमारे साथ खुद जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। आज हम यहाँ पे 1000 लोग जुड़ चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड इसका जो श्रेय है वो आप सबको जाता है, क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज का ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह कीवा काइप इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वेबिनार के अंदर। दोस्तों आज का ये जो वेबिनार है, जी हाँ, डिसीजन चेंजेस डेस्टिनी, आपके जो डिसीजन हैं, आपके जो निर्णय हैं वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके जो निर्णय हैं वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा स्टोरी था वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड था, डेस्टिनी, भाग्य, इट कैन बी अज्यूम्ड। भाग्य बेसिकली क्या, हम इस चीज को क्या बोलते हैं कि हम जैसे जिंदगी हम चाहते हैं, हमारे आने वाले 5 साल में 10 साल में 20 साल में क्या चीज होने वाला है, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है वो कैसा होने वाला है। भाग्य पहले नहीं देखा जा सकता है, राइट, क्योंकि बेसिकली इन चीजों में विश्वास कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मैं इस चीज में विश्वास खैर नहीं करता हूं, लेकिन हाँ हम अपने भाग्य को लिख जरूर सकते हैं। आज जो हमने काम किया है वैसा काम आने वाले हमारे कुछ सालों में हमें वो दिखने वाला है, वो क्या है, हम अपना भाग्य आज लिख रहे हैं। जैसा काम हम आज कर रहे हैं आने वाले 5 सालों बाद 10 सालों बाद 20 सालों बाद क्या चीज हमारे साथ होने वाली है वो हमारे भाग्य में लिखा जा रहा है, हम उसको आज लिख रहे हैं। यानी कि अगर हम आज कुछ लिख रहे हैं तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। हाउ आर डिसीजन चेंज आर डेस्टिनी, डजंट मैटर, व्हाट एवर योर प्रोफेशन इज, डजंट मैटर। हमारे डिसीजन क्या हमारे डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? आपका प्रोफेशन कोई भी हो ये मैटर नहीं करता है, ये मायने नहीं रखता है। हाउ आर डिसीजन चेंज आर डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी जो है वो आपके डिसीजन के ऊपर है, प्रोफेशन आपका कोई भी है ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, सपोज यू स्टार्टेड कोई, आपको जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन है, ये जो आपने डिसीजन जो है वो एक चीज आपने यहाँ पे ले ली है, आपने कोई जॉब, आपने बिजनेस कुछ स्टार्ट किया है, ये आपने डिसीजन ले लिया है। नाउ आपका जो डिसीजन है वो आपकी इनकम को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। जो डिसीजन आपने लिया है वो आपकी इनकम, आपकी जो आय है, आपकी जो सैलरी है, आपका जो बोनस है, उसको बढ़ाने में वो हेल्प कर सकता है, राइट। इनकम दैट कैन चेंज योर लाइफ, और जो इनकम होती है वो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो पता चल जाता है हमारे लाइफ स्टाइल से कि क्या कुछ चीजें जो है वो चेंज हो रही है। डे वन अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो पहले दिन
डिसीजन कीजिए लर्न करने का, कुछ सीखने का डिसीजन लीजिए, डिसीजन कीजिए एक्ट करने का, कुछ एक्शन, जो भी सीखा उसको किया, इस चीज का डिसीजन लीजिए, डिसीजन टू मेक शेड्यूल, शेड्यूल बनाने का डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए कि हम कुछ जो शेड्यूल है उसको बनाएंगे यहाँ पे, डिसीजन लीजिए फॉलो अप करने का, जो भी मैंने काम किया, जो भी किसी के साथ मैंने बात की, अपना चाहे टीम है चाहे कोई भी मेंबर है, तो उसके साथ मैं जो प्रॉपर फॉलो अप है वो मैं वहां पे ले रहा हूं, क्या हम इस चीज का डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या हम इन चीजों को डिसाइड कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले दिन, जिस दिन आप कंपनी से जुड़ते हैं, जिस दिन आपका पहला दिन होता है, ये चीजें आज से भी हो सकती हैं। अगर आपको जुड़े हुए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो चुके हैं, ये काम आप आज भी कर सकते हैं, आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये डिसीजन ले लिए, पहले दिन का जो डिसीजन है वो लेना चाहिए, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, फॉलो अप लेंगे, ऐसे डिसीजन आपके होने चाहिए, ये डिसीजन आपके होने चाहिए। अगर आपने ये डिसीजन लिया, इसके ऊपर काम किया, तो 100 दिन बाद जो रिजल्ट मिलता है, आपका डिसीजन आपका भाग्य बदलते हैं। हमने बात की थी ना, 100 दिन बाद जो क्या डिसीजन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, 100 दिन बाद का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, इसके ऊपर काम किया, 100 दिन बाद क्या होने वाला है, यू हैव नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल, आपको प्रोडक्ट के बारे में, आपको प्लान के बारे में, आपको प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपने लगातार 100 दिन, अगर आपने ये जो काम है वो आपने कर लिया, क्या है सिर्फ 3 महीने है, क्या हम सिर्फ 3 महीने ये काम नहीं कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ 3 महीने अपने डिसीजन के ऊपर खड़े नहीं रह सकते हैं। 3 महीने, 100 डेज, पहला दिन कोई ज्वाइन करता है, 100 दिन बाद जो रिजल्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। मैं आपको 550 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए नहीं कर रहा हूं, अरे जो 8, 10, 15 प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप काम करते हैं, जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं, कम से कम उनके बारे में तो जानिए, प्लान के बारे में तो जानिए। ऐसा कौन सा भूत है प्लान में जो समझ में नहीं आता है, आसानी से समझ में आता है प्लान, कितनी बार उसके ऊपर चर्चा की है, सभी वीडियो जो है उसके ऊपर बनी हुई है। अपने लीडर को पकड़िए कि सर प्लान बताइए हम जाने नहीं देंगे, प्लान बताइए हम जाने नहीं देंगे। अरे अंदर भूख होनी चाहिए, आदमी को भूखा होना चाहिए अंदर से कुछ सीखने के लिए। चेक कीजिए, अपनी भूख को बढ़ाइए इस चीज के लिए। आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कस्टमर के साथ डील करने का, ये बहुत बड़ी चीज है। 100 दिन अगर आपने ये काम किया, 100 दिन आपने सीखना है, 100 दिन आप सीखेंगे तो 100 दिन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा। 100 दिन का एक्सपीरियंस, एक कंटिन्यूसली आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है, कस्टमर कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे कस्टमर आपके साथ डील करेंगे, आप उन कस्टमर के साथ कैसे डील कर सकते हैं। पहले दिन आपको नहीं पता चलेगा, अरे उलझा के चले जाएंगे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, उलझा के चले जाएंगे। 100 दिन बाद आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा जो माल है वो मार्केट में पड़ा हुआ है, कैसी कैसी आइटमें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी आइटमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक बार तो सर्च करा जाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ आप उनको हैंडल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको आएगा जैसे जैसे आप काम करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मीटिंग को कंडक्ट करने का, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसके बारे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मीटिंग करने आ जाएगी, नहीं, लेकिन मीटिंग में लोगों को लाने का जो कॉन्फिडेंस है, जो मीटिंग कंडक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर आ जाएगा। भाई साहब आना है तो आना है, आना है तो आना है। अगर आपने ये जो काम है ये करना शुरू कर दिया तो माय डियर फ्रेंड, रिजल्ट 100% शानदार जो है वो आपको मिलने वाले हैं। यू हैव कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट मीटिंग्स, ये डे 100 का जो रिजल्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। 100 दिन बाद क्या होगा इसके बारे में हमें पता है, अगर पहले दिन से वो जो डिसीजन है वो हमने लिया, अगर उसके काम को हमने यहां पे किया। इसके बाद, तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड, 365 दिन बाद, यानी कि 1 साल बाद, सेम डिसीजन जो आपने लिया हुआ है, पहले का जो सेम डिसीजन आपने लिया हुआ है, अब आपके पास एक अच्छी टीम बन चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले दिन के डिसीजन के ऊपर अगर आप कायम रहते हैं, पहले दिन का जो डिसीजन आपने लिया है अगर उसके ऊपर अगर आप कायम रहते हैं, क्योंकि वो डिसीजन वो बहुत ही शानदार डिसीजन है, मुश्किल हो सकती है उसमें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो डिसीजन है वो दुनिया से हटके लिया गया डिसीजन है जो भी आपने लिया है, तो अब उसके ऊपर रहते हैं, तो 1 साल बाद एक अच्छी टीम हमारी बन जाएगी, हमारी जो इनकम है वो अच्छी हो जाएगी,
अब एक साल बाद आपकी जो इनकम है उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड कि हाँ यार मेरे को इनकम आती है नहीं आती। नहीं, अगर आपने वो पहले दिन के डिसीजन के ऊपर अगर आप कायम रहते हैं तो आपकी जो इनकम है वो बहुत ही खूबसूरत इनकम, यानी कि फिर आपको ये कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अंदर एनर्जी ना अपने आप बनती, जब पैसा आता है एनर्जी अपने आप बनती है कि हाँ यार पैसा आ रहा है, अब जो एनर्जी है वो मेरे अंदर है, मैं और काम कर सकता हूं। और माय डियर फ्रेंड, अब आप एक लीडर हैं, अब आप एक लीडर कहलाने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस हो चुका है, जो डिसीजन लिया है आप उसके ऊपर कायम रहते हैं, राइट। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी काम हमने किया, अब ये जो सभी चीजें हमने की थी, ये क्या थी? जस्ट हमने डिसीजन लिया है, हमने सिर्फ निर्णय लिया है कि हमने काम क्या करना है। आज ही अपना निर्णय लीजिए, आज ही अपना डिसीजन लीजिए। आपका डिसीजन, आज का आपका डिसीजन आपका भाग्य चेंज कर सकता है। आपने डिसीजन ले लिया है कि मैंने तो बैठना है ना, तो मैंने किसी को जूम पे इनवाइट करना है ना, मैंने कोई मीटिंग करनी है, मैं तो अपने स्टॉक पॉइंट पे सुपर स्टॉक उस पे बैठा हुआ हूँ, कोई भी आ रहा है मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, बिक रहा है नहीं बिक रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, वैसा भाग्य आपका 6 महीने बाद, वैसा ही भाग्य आपका साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वैसा ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। मेरे को पता है सिर्फ 5 से 10% लोग इससे चेंज होंगे, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बताऊंगा तो हर बार, मैं बोलूंगा तो हर बार, बताऊंगा तो हर बार, उन 5-10% लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी आज यहाँ पे 1000 जो लोग आज जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे वो जूम पे हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब मैं चाहता हूँ आप उन 5 से 10% लोगों में से शामिल हो। आप कुछ अलग जरूर कीजिए, दुनिया से कुछ हटके कीजिए, राइट, बिकॉज योर डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। डिसीजन चेंजेस डेस्टिनी, क्योंकि निर्णय भाग्य को बदल देते हैं। आपका एक निर्णय आपके भाग्य को बदल सकता है, अगर वो निर्णय कैसा है ये आपको डिसाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, योर डिसीजन, ये डिसीजन आपका है, भाग्य आपका है, लाइफ आपकी है, आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है, आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, और मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेटेड लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। और दोस्तों, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपके लिए आज एक नया ऑफर भी यहाँ पे लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, नया ऑफर क्या है? बहुत ही शानदार, ग्रेट ऑफर। कोई भी कीवा डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो 15 फरवरी से लेके, यानी कि आज से लेके 17 फरवरी तक, 15 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक अगर फ्रेश 1000 सेल्फ बीपी अगर वो कर लेते हैं, कब तक? 17 फरवरी तक अगर वो सेल्फ आईडी पे 1000 बीपी कर लेते हैं, तो दोस्तों उनको एक पीस कीवा डिटॉक्सी प्लस टैबलेट जो हैं, जिसकी कीमत लगभग 1200 रुपए है, वो उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर जो है वो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपके लिए लेके आई है, लेके आती रही है, और बहुत सारे जो ऑफर हैं वो ऑलरेडी चल भी रहे हैं। निर्णय हमें करना है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का ये जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि कैसे हम जो निर्णय है अपने भाग्य जो है उनको चेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर है दोस्तों, भाग्य आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग के सेशन में ऐसे ही और जबरदस्त सेशन, जबरदस्त ट्रेनिंग और एक इंफॉर्मेटिव जो स्टोरी है वो भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन एक ईंट जरूर लगाइए अपने मकान को खड़े करने के लिए। जैसी ईंट आप लगाएंगे वैसा मकान आपका बनेगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए हर रोज एक नए पर्सन को अपने साथ लेके आइए। अगर आपने ये चीज अपने माइंड में ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का आज अपना यहाँ पे कीमती समय देने के लिए। आज की शुरुआत अपने एक नए डिसीजन के साथ कीजिए, डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार मिलेगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह 8 बजे, शाप 8 बजे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।